आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, x के लिए हल कीजिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये यूपी बोर्ड 10th की परीक्षा में 2001 और 2008 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। चैनल पर नया आए हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया गया है 4x² + 1x² + 8 × x - 1x - 29 = 0। यहाँ ध्यान से समझिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। माना यहाँ से हल करते हैं, ठीक है, माना x - 1x = y, इतना हमने माना। सबसे पहले इसको समीकरण एक बना देते हैं, ठीक, इसको समीकरण दो बना देते हैं जिसको हमने अभी माना है। समीकरण दो के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, वर्ग करेंगे इसमें तो x - 1x का होल स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ लेंगे a - b के होल स्क्वायर में, क्या होगा x² + 1x² - 2 × x × 1x = y², ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x इंटू में है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² + 1x² - 2 = y². तो यहाँ पर x² + 1x² = 2 - y² + 2, इसको हम बना देते हैं समीकरण 3, ठीक। समीकरण 3 बन गया है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के जो x - 1x का मान y माना है और x² + 1x² = y² + 2 निकाला है, तो ये दोनों मान जो है इतने के स्थान पर इतना और इतने के स्थान पर इतना हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में हम समीकरण 3 से हम x² + 1x² = y² + 2 रखेंगे यहां पर, तो क्या होगा 4 × y² + 2, ठीक, ये हो गया इसके स्थान पर प्लस 8 है, यहां पर x - 1x है और इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे y, समीकरण 2 से y हो गया -29 = 0। अब इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y² + 4 × 8 + 8y - 29 = 0, ठीक। अब क्या होगा, यहां पर 4y² है और यहाँ पर प्लस 8y है ना, और 29 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 = 0। अब 4 को हम जो y² का जो गुणक है 4, इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 × 4 = 8, मतलब 84 आ जाएगा। 84 के हमें ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर हमें 8 मिलना चाहिए, तो अगर हम
14 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 14 छन 84 आ जाता है, जिसमें से हम 14 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर गुणनखंड जो होंगे 84 के 14 और 6 होंगे, यहाँ पर 4y² प्लस 14 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 4y² प्लस यहाँ पर y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें 2y कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × 4 और y प्लस 2 × 14, y बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक ही y है। ठीक, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन लिया जाएगा माइनस के, तो 2 × 3 × 6 y और 3 × 7 = 21। ठीक, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हो माइनस 3 ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2y प्लस 7 है और यहाँ पर 2y प्लस 7 है तो कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, 2y माइनस 3 उतार लेते हैं इज इक्वल टू 0। आप आगे करते हैं हल, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास y का मान आया है, y इज इक्वल टू 1 मान यहाँ से हमें मिलेगा, y बराबर 7 है प्लस में तो इधर जाएगा -7 और y के गुणक में 2 है तो अपान में जाएगा 2, y का -7/2 एक मान आया और एक y का मान आएगा क्या, -3 है इधर जाएगा प्लस में और 2 के y के गुणक में 2 है तो इधर आएगा अपान में 2। ठीक, तो y का एक मान आया -7/2 और y बराबर 3/2। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया ये कैसे आया इससे, तो मैं यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ आपको कि 2y प्लस 7 है इसको 0, तो y बराबर -7/2। ठीक, उसी तरह यहाँ पर इसका करेंगे 2y - 3 = 0, तो y बराबर 3/2। ठीक, इस तरह से ये आया है मान, समझ गए ना। अब क्या करेंगे कि y का हमने माना था कुछ, समीकरण 2 में देखिए x - 1/x माना है। ठीक, तो हम y के स्थान पर x - 1/x रख देंगे, x माइनस सबसे पहले मान हम -7/2 लेते हैं, x - 1/x इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, तो इसको हम नीचे 1 कर देते हैं, तो ये गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x² - 1/x इज इक्वल टू -7/2। अब क्या कर देते हैं, तेरिए गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो 2x² - 2 हो जाएगा और इसको -7x हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² ये -7x इधर आएगा प्लस में और यहाँ पर -2 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि ये जो x² × 2 है इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 आना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ax² + bx + c = 0 के रूप में है ये। ठीक है, ax² + bx + c = 0 के रूप में है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला याद रखना है x - b + √b² - 4ac/2a, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x = -b + √b² - 4ac/2a में यहाँ से लिख लेते हैं, इस समीकरण से a का मान कितना है, a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ पर क्या है 7 है और c का मान क्या है -2 है। ठीक, तो यहाँ पर a b c के मान हम इस फार्मूले में रख देंगे, कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा, x = - b का मान क्या है 7 + √b² = 7² - 4 × a का मान कितना है 2 × c का मान कितना है -2। ठीक, अपान में 2 × a का मान कितना है 2, x = -7 + √49 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 16/2 × 2 = 4,
तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, माइनस सात प्लस माइनस अंडर रूट नौ छ पंद्रह और चार एक पाँच, नौ छ पंद्रह पाँच हासिल एक, चार एक पाँच एक छ, अंडर रूट पैंसठ बटे चार, एक x का मान यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स बराबर ये वाला मान निकाल लिए, y बराबर थ्री बाई टू वाले में रखेंगे। ठीक, y के स्थान पर क्या समीकरण दो से x माइनस वन बाई एक्स, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू करने पर, ठीक है, थ्री बाई टू करने पर। अब यहाँ पर वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, यहाँ पर त्रिक गुणा को हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स, ये थ्री एक्स इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दो है यहाँ पर, यहाँ पर दो है, दो दुना चार, चार के हमें ऐसे गुणन करने, घटाने पर तीन आना चाहिए, चार एकम चार हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस के चार माइनस एक इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर माइनस खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा माइनस टू बचेगा, प्लस यहाँ पर वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के। तो यहाँ पर एक्स माइनस टू कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस टू है तो कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, और ये ब्रेकेट में बचेगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के। अब ध्यान दीजिएगा, x माइनस टू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया है। अब आगे हम इसका निकालेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो x बराबर क्या आएगा, टू है ना, और टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन बाई टू। तो एक x का मान हमारे पास यहाँ आया है, ठीक, एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटी फाइव अपॉन फोर, और एक एक्स का मान आया है एक्स बराबर दो, और एक एक्स का मान आया है माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हल समुच्चय होगा, आंसर होगा, ठीक है, अतः एक्स के मान आ गए हैं, क्या क्या आया है मान, एक दो आया है, फिर माइनस एक बटे दो आया है, और क्या मान आया है, माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट पैंसठ अपान फोर के, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज पर वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।